जी टाटा ने ही उसको इंडिया एयर इंडिया नाम दे दिया गया ओके फिर एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और फाइनली जब एयर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोन आया बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोन आ गया अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज का लोन था एयर इंडिया के ऊपर तो गवर्नमेंट झेल नहीं पाई लोन को और उसने बोला कि हम इसको बेचना चाहते हैं हम इसको हंड्रेड परसेंट जो ओनरशिप है वो हम बिट कर देंगे तो देखा जाए तो टू थाउजेंड में गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम लोग अराउंड सिक्सटी ओनरशिप बेच देंगे फोर्टी परसेंट गवर्नमेंट के पास रखेंगे लेकिन गवर्नमेंट को कोई बेटर मिला नहीं जब उन्होंने हंड्रेड परसेंट भेजने की बात करी तो दो मेजर बेडर थे तो पहले मेजर बेटर थे टाटा 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 ग्रुप सन्स और दूसरा था आपके अजय अजय सिंह सिंह ठीक है तो सो जो कि स्पाइस जेट के फाउंडर भी हैं और स्पाइस जेट उन्हीं का है एंड अभी देखा जाए तो सेकेंड मार्केट कैप्चर करके रखा है उन्होंने इंडियन इंडियन एयरलाइंस के फील्ड में फर्स्ट इंडिको के पास जाता है देन आपका स्पाइस जेट के पास जाता है तो सबसे ज्यादा बिड टाटा ने लगाई टाटा सन्स ने लगाई और टाटा सन्स ने एयर इंडिया 18000 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है ओके सो बहुत सारे मीम भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे वही चीज के फाइनली uh, जो पहले उनका था वही वापस मिल गया बैक टू होम और फर्नानडिका ना सो फाइनली टाटा विंस द बिड ऑफ एयर इंडिया विद 18000 करोड़ ओके okay, आफ्टर 68 इयर्स मूविंग फॉरदर सो सेकंड न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो तवांग रीजन तवांग रीजन इन दी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो इन दी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना के फोर्सेस uh, में थोड़ा सा मतलब माइनर सा क्लैश हुआ अब क्लैश ये हुआ कि जब चाइनीज फोर्सेज पेट्रोलिंग कर रही थी तो इंडियन फोर्सेस ने उनको रोक लिया और इंडियन टेरिटरी में लेके चले गए जिसके चलते उसके बाद कुछ समय बाद उनको रिलीज भी कर दिया गया ठीक है तो फिजिकल थोड़ा सा इंटरैक्शन हुआ था लेकिन इतना ज्यादा इंट्रेक्शन नहीं हुआ और विद माइनर क्लैश जो कि इंडियन आर्मी और चाइना के आर्मी के बीच में हुआ इन द रीजन ऑफ तवांग तो तवांग रीजन याद रखना क्योंकि तवांग रीजन इज ऑल्सोली डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना मूविंग फॉर द So, कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला था कि आप कि आप फोर आवर्स के अंदर आप हमें केस का स्टेटस की रिपोर्ट सबमिट करोगे यूपी ने की यूपी गवर्नमेंट ने करी तो उसके रिटेलिएशन में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट डिस उन्होंने डिसअफेक्शन दिखाया उन्होंने बोला कि वी आर डिससेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट बिकॉज कि उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि हमने ओरली तो हमने एक्शन लिया है बट देखा जाए तो लीगली और इन रिटर्न फॉर्म उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है कि सुप्रीम कोर्ट सिंपल सी बात बोल रहा है कि have, uh, hum, dis, dis, UP, UP लखींपुर वी हैव हम वी आर वी आर डिससेटिस्फाइड विद यूपी व्हाट यूपी गवर्नमेंट हैज डिड इन द लखीमपुर 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 खीरी वाले जो केस ंग फॉर दुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्स बताए हैं कंसर्स अबाउट दी कि डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों को कैसे डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन uh, हुआ बिटवीन रिच किड्स एंड पुअर किड्स के बीच में एंड फंडामेंटल राइट्स भी रीच हुए ये चीज बताई गई तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट फ्लैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड तो वही बताया बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड बच्चों को फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच, fundamental rights ब्रीच हुए उनके फंडामेंटल राइट्स right ब्रीच हुए उनके राइट ब्रीच हुए और जो उनको मिलना चाहिए था एजुकेशन इंपार्ट होनी चाहिए थी उस लेवल की एजुकेशन इंपार्ट नहीं हो पाई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा जो चीज अपन ऑलरेडी बहुत बार एडिटोरियल में डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिजिटल डिवाइड है क्या इसको कैसे दूर किया जा सकता था ओके उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा मूविंग फॉर सो में सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है विल स्किप दी सिटी न्यूज स्टेट स्टेट पेज। पेज हम की बात करें तो यही बताया गया कि कम्यूटिंग टू स्कूल पाथ फॉर किड्स। तो यही बताया गया कि अगर आप स्कूल कम्यूट करते हो तो कैसे कैसे बेसिकली किड्स uh, uh, के लिए डेंजरस है रिस्की है क्योंकि आप स्कूल जाते हो तो भाई ट्रैफिक और बस से जाते हो या पैदल जाते हो बाइस्किल से जाते हो या बाइक से जाते हो तो एक्सीडेंट्स बताया गया कि देखा जाए तो किड्स की जो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी वजह से क्योंकि वो स्कूल जा रहे होते हैं ये चीज बताई ये रिपोर्ट निकल के आई न्यू डेली अच्छा ये पूरी पूरी इंडिया की रिपोर्ट है ओके मूविंग सो वॉट गडकरी सेट दो गडकरी हम बात करें तो गडकरी नितिन गडकरी ही इज मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज उन्होंने बोला है कि शुगर फैक्ट्रीज को अब शुगर प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए शुगर से अब इथेनॉल प्रोड्यूस करना चाहिए अगर आप इथेनॉल प्रोड्यूस करोगे तो इथेनॉल को हम एज अ फ्यूल यूज कर पाएंगे यह चीज बोला गया जिससे हम फ्यूल पे जो डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी और हम इंपोर्ट में अराउंड थर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज सेव कर सकते हैं बचा सकते हैं ये मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है उन्होंने बोल दिया है कि शुगर शुगर कंपनी जो है शुगर इंडस्ट्री जो है उनको अब शुगर का प्रोडक्शन नहीं करना है दे हैव दे शुड प्रोड्यूज वॉट इथेनॉल एंड इथनॉल कैन बी यूज एज अ फ्यूल जिसके चलते जो हम इंपोर्ट करते हैं अराउंड ऑइल जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम थर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज सेव कर, कर पाएंगे मूविंग फॉर द सो ऑन द स्टेट पेज तो नेक्स्ट स्टेज पेज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सो वी डायरेक्टली मूव टू दियल पेज तो आज के एडिटोरियल हमारे पास तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट वन इट्स अबाउट दी रिफ्लेक्शन ऑन अ क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी इसको अपन डिस्कस करेंगे द सेकंड करने वाले एंड थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द इन्फ्यूजिंग पब्लिक हेल्थ इंटू इंडियन मेडिकल एजुकेशन इसको अपन डिस्कस करने वाले ओके okay? चलो अच्छा ये वाला जो एडिटोरियल है ना दिन पब्लिक हेल्थ इंटू इंडियन मेडिकल एजुकेशन ये अपन कल के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे आज के एनालिसिस में नहीं ओके सो बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ उसके बारे में बताया गया कि कैसे हम अगर अभी देखा जाए तो हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में आता है तो अपन थोड़ा वीवी ले लेते हैं कलम इसको पूरा डिस्कस करने में कलम पूरा इसको डिस्कस करेंगे क्या बताता क्या है तो बताया सबसे पहले यह बताया गया कि हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में है उसको पहले कॉन्क्रेंट लिस्ट में आना चाहिए हेल्थ को है ना जैसे सेंटर भी लॉ बना सके हेल्थ को लेकर अब अब हाँ हेल्थ की एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो हेल्थ की एजुकेशन जरूर आपकी लिस्ट में है स्टेट भी लॉ तो मतलब, का मतलब कि, कम, आ, के public, पूरी पब्लिक जो है एक ही तरीके की मेडिसिन ले ऐसा ना हो कि रिच किट जो है रिच पब्लिक जो है वो मेडिकल स्टोर जाके महंगी मेडिकल महंगी मेडिसिन ले सकती है और जो पुअर लोग हैं वो उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट की मेडिसिन मिल रही है सो इट्स इट शुड बी अ कम्युनिटी मेडिसिन होनी चाहिए एंड शुड बी अ पब्लिक हेल्थ ये करिकुलम में होना चाहिए इन दी मेडिकल एजुकेशन के करिकुलम में होना चाहिए ये चीज बताएगी तो कल इसको पर डिस्कस करेंगे पूरे फुल पूरे फुल उसके एक्सप्लेन uh, के साथ के बोलना क्या चाहता है तो फर्स्ट वी डिस्कस टूडेटोरियल इट्स अबाउट द रिफ्लेक्शंस ऑन क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी देखो अच्छा ये है क्या सबसे पहले अपन थोड़ा फेडरल के बारे में समझते हैं उससे पहले समझने के लिए हमें थोड़े कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे इंडिया के बारे में और तब सम, तब समझ में आएगा कि ऑथर ने एडिटोरियल लिखा क्यों हुआ क्या जब हम भारत देश की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक नेशन ओके जब इंडिया में बन रहा था सबसे बड़ा ये था कि इंडिया को यूनिटरी होना चाहिए या फेडरल होना चाहिए अलग मतलब हो स्टेट, हो हो, हाँ हो। मतलब स्टेट की पावर अलग लेकिन असेंबली में दोनों को लेकर ऑब्जेक्शन रेज हुआ उन्होंने बोला कि अगर हम यूनिटरी लेके आते हैं तो भैया उस समय इंडिया इंडिया नहीं हुआ करता था उस समय इंडिया इंटू मेनी प्रिंसली स्टेट्स उन तो प्रिंसली स्टेट्स को बताना कि भैया आपके पास भी इंडिपेंडेंस रहेगी तो हम यूनिटरी लेके नहीं आ सकते थे और हम फेडरल इस वजह से लेके नहीं आ सकते थे उसका रीजन ये था कि अगर हम फेडरल लेके आ जाते तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट शायद अपना अलग से ही कंट्री बना लेते तो इंडिया के डिविजन की बात भी थी तो इसी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया तो शेड्यूल अगर आप आर्टिकल वन पढ़ोगे ना तो आर्टिकल वन में जरूर लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनिटरी ऑफ स्टेट इज यूनियन ऑफ स्टेट मतलब

बहुत बड़े कैडमिशन थे उन्होंने इंडिया को टर्म दिया था कि इंडिया क्वाजी फेडरल नेशन होगा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में क्वाजी फेडरल नेशन का मतलब क्या है क्वाजी फेडरल नेशन का मतलब है कि स्टेट की पावर अलग है सेंटर की पावर अलग है बट अगर कभी क्लैश होता है अगर कभी क्लैश होता है तो फिर किसकी होगी सेंटर की लेकिन एक चीज और उठती है एक है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन और उठता है है कि मान के चलो कुछ ऐसा आइटम है या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है ना ही वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है ना ही वो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है ना ही वो कॉन्ट लिस्ट में दिया हुआ है कोई ऐसा काम जो काम करना है उस समय उस समय लिस्ट बना गई उस समय लिस्ट बनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ ऐसा चीज इवॉल्व हुई ना ही वो यूनियन लिस्ट में है ना ही वो स्टेट लिस्ट में है ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है तो उस चीज को बोलते हैं रेसिडरी पावर और रेसिडरी पावर इंडिया में पार्लियामेंट के पास होती है क्योंकि अगर कोई आइटम अगर ना ही वो लिस्ट में हो ना ही स्टेट लिस्ट में हो ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में हो तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि उस चीज पर लॉ बना सकता है और उस पावर को क्या बोलते हैं रेसिडरी पावर ओके अब अब अगर हम बात करें तो ऑथर ने बोला ऑथर ने बोला कि इंडिया में जरूर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्वाजी फेडरल लिखा पूरी तरीके से नहीं है बट डिपेंड करता है शेड्यूल एट शेड्यूल सेवन लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आना चाहिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्वाजी फेडरल वर्ड जोड़ दिया जाए और सब लोगों को समझ में आ जाए कि जो हमारा नेशन है वो क्वाजी फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन है अब उसका रीजन उन्होंने बताया उसका रीजन उन्होंने सबसे पहले डिबेट कैसे किया उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखा जाए तो अभी हम बात करें तो असम में बॉर्डर क्लैशेज हुए एक पुलिस फोर्स दूसरे पुलिस फोर्स को मार रही है पहला उन्होंने बताया कि यहां पर देखो फेडरलिज्म समझ में नहीं आ रहा यहां पर क्या है फिर उन्होंने बहुत सारे कंसर्न बताए अब कंसर्न उन्होंने कैसे बताया एक्सप्लेन किया कि राजसभा राज होती क्या है ये उठता है कि what is तो is something, मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा लोकसभा में जो मेंबर्स हैं उनको एमपीज बोलते हैं राज्यसभा में जो हैं उनको भी एमपी बोलते हैं बट लोकसभा के एमपीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में जो एमपीज होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट देआर रिप्रेजेंटिंग होम दे आर रिप्रेजेंटिंग दी देर रिस्पेक्टिव स्टेट तभी कभी भी देखा होगा ना कि भैया मनमोहन सिंह असम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बल्कि अगर लोकसभा का कोई एमपी होगा तो उसे बोलते हैं जैसे मोदी जी मोदी जी लोकसभा के एमपी है तो बोलते हैं क्या कि मोदी जी बनारस की एमपी है कि बनारस के लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहीं अगर कोई राज्यसभा का एमपी होता है तो स्टेट का नाम आता है ना ही किसी का तो वहीं राज्यसभा राज में ज्यादा होते हैं चेयरपर्सन एक बार ब्रोक हो गया था अभी 2021 में क्योंकि प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चल पा रही थी बॉर्डर क्लैशेस हुए तो जिसके चलते इंडिया में समझ में नहीं आता कि भैया इंडिया में इंडिया में यूनिटरी कॉन्सेप्ट है कि कॉजी फेडरल कॉन्सेप्ट है ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है और इस चीज डिस्प्यूट हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाने की जरूरत है अमेंडमेंट लाने की जरूरत है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफिकेशन आ जाए कि इंडिया इज अ अक् फेडरल नेशन मूविंग फॉर द सो द सेकेंड एडिटोरियल इट्स अबाउट द ग्रिम टर्न तो ग्रिम टर्न जो एडिटोरियल है ये बेसिकली बताया गया ये एक्सप्लेन करता है अबाउट अबाउट uh, आपका या yeah. सो so, ये एक्सप्लेन करता है वॉट ये एक्सप्लेन करता है जम्मू एंड कश्मीर में इंसिडेंट हुए क्योंकि हमने डे फोर यस्टर्ड हमने न्यूज सुनी थी कि तीन लोगों को मार दिया गया जिसमें से और तीनों हिंदूज थे कश्मीरी पंडित से जिसमें से एक मेडिकल स्टोर के मालिक थे और बहुत अच्छे पर्सन भी थे उनकी डेथ हुई उसके बाद कल हमने न्यूज सुनी कि भैया कल भी आ, जो टेररिस्ट है मिलिटेंट्स है नॉट टेररिस्ट मिलिटेंट जो है वो स्कूल में गए और दो टीचर्स को मार दिया और दोनों टीचर्स एक हिंदू एक हिंदू रिलीजन के है और सिख रिलीजन के है तो उसके बारे में बताया गया सबसे पहले तो यह समझाएगा और यह खुद समझनी चाहिए कि जरूर जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलेशन डोमिनेंट मुस्लिम्स की है बट हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करें क्योंकि मिलिटेंट जो है वो रिलीजन के बेस पे मारते जरूर है बट जब वो मारते है ना तो उनके लिए कोई मुस्लिम और कोई हिंदू नहीं होता और इंडिया में टेररिज्म किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होता टेररिज्म अगेंस्ट द्यूम ओके okay? और ह्यूम मतलब कोई भी हो सकता है चाहे किसी भी रिजन का हो सकता है चाहे ज्यूज हो सकता, सकता है चाहे मुस्लिम हो सकता है सो so ये सारी न्यूज पढ़ना ऐसी न्यूज दिखाना या न्यूज पढ़ना या ऐसी चीजें पोस्ट करना कि हिंदूज को मारा जा रहा है ये बहुत गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर हम बात करें तो देखा जाए तालिबान तो तालिबान में तो सॉरी अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो मुस्लिम ने अफगानिस्तान तो इज अ इस्लामिक नेशन ना तो वहां पर कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इस्लामिक स्टेट्स ने किया आइसिस ने किया उन्होंने ब्लास्ट किया और मॉस्क में किया तो इस मीन के टेररिज्म जो है सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे होता है ऐसा नहीं है ठीक है तो ये सारी चीजें इग्नोर करनी चाहिए ऐसी न्यूज सुनना भी नहीं चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है ये सबसे मतलब दिस मतलब दि, अगर ऐसी कोई न्यूज पोस्ट भी करता है ना तो द, ये डिपेक्ट करती है वो चीज दैट पर्सन इज नॉट एजुकेटेड ठीक है सो जस्ट इग्नोर दैट ऐसी न्यूज को तो नहीं पढ़ना है ऐसी न्यूज को इग्नोर करना है ठीक है ऐसे न्यूज पर पढ़ना ही छोड़ दो तो, अगर न्यूज चैनल ऐसा कुछ दिखा रहे हो तो न्यूज चैनल देखना छोड़ दो तो वो न्यूट्रल न्यूज चैनल देखा करो देखना भी है न्यूज चैनल से अच्छा है कि न्यूज पढ़ो क्योंकि वही न्यूज आती है न्यूज चैनल में तो एक चीज दिखा दी जाती है लेकिन न्यूज़पेपर में सारी न्यूज दी जाती है कि भाई कल के दिन हुआ क्या क्या था न्यूज न्यूज चैनल आप 24 घंटे नहीं देख सकते ठीक है तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो न्यूज चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है वो अपने पापा और मम्मी को देखने दो आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उससे तुम्हारा कोई क्लैट में तुम्हें क्लैट में कोई हेल्प नहीं करने वाला हाँ देखना है तो इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हो इलेक्शन का इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है तब आज तक या फिर कोई न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओ वैसी न्यूज नहीं देखनी है चलो इस एडिटोरियल में समझाया गया वो यही समझाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिटेंट्स के अगेंस्ट तो लड़ना ही लड़ना है उनके अगेंस्ट जो प्रोग्राम लेके आने ही आने हैं और उससे ज्यादा उन्हें अब सिविलियंस को भी बेसिकली ट्रेन करना पड़ेगा अब सिविलियंस को ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है जैसे मिलिटेंट ट्रेन होते हैं तो वैसे ही सिविलियंस को भी ट्रेन करो नहीं सिविलियंस को समझाना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन से निकलना कैसे है ओके ये चीज ऑथर यहां पर समझाई गई so, सो अभी जो है देखा जाए तो ये देखो अब ये रियलिटी है कि हिंदूज या फिर इस्लाम रिलीजन के इस्लाम uh, रिलीजन के अलावा अदर रिलीजन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो इसीलिए किया जा रहा है कि डिसहार्मनी फैले कम्युनलिज्म वाली बातें आ जाए तो ये चीजें उनका जो मोटिव है मिलिटेंट्स का जो मोटिव है वो मोटिव आप खुद फुलफिल फुलफिल ना करो उनका भी यही मोटिव है कि पब्लिक ये सोचे कि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम्स अदर रिलीजन के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं ये चीज नहीं सोचनी है वही उनका रियल मोटिव है तो ऐसा नहीं करना है ठीक है वी आर लिविंग इन अ सिंगल कंट्री एंड वी आर अ जरूर आर्टिकल वन में यून ऑफ दी स्टेट्स लिखा हुआ है तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से सारे स्टेट्स एक ही है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट के एंगेज so so सिविल करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के अगर हमें जम्मू कश्मीर में अगर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना है और ऐसे टेरिज्म एक्टिविटीज को रोकना है तो मूविंग फॉर

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उन्होंने अश्योर किया है कि मैं जो हूं मतलब मोदी और किशनदा जो है दे विल कमिट टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापान हम लोग और ज्यादा स्ट्रेंद करेंगे जापान और इंडिया का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए मूविंग फॉर सो पुलिस सो पुलिस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है तो पुलिस ने यह बोला कि अभी जो क्लिंग्स हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो क्लिंग्स कौन कर रहा है जो फ्रेश वो कर रहे हैं जो न्यूली फ्रेश रिक्रूटेड मिलिटेंट्स है ना वो ये बेसिकली टार्लिन कश्मीर जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सो ऑन दस्टनल पेज सो उसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक वी विल कंडक्ट दियरिंग बट ट्वाइज हफ्ते में दो दिन हम लोग फिजिकल हियरिंग रखेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है मूविंग फर्दर अच्छा एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल वो अच्छा मैं कल बताना भूल गया था जो कल मतलब एट्थ अक्टूबर एट्थ अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज अ इंडियन एयरफोर्स डे और ये कौन सा इंडियन एयरफोर्स डे था इट्स एटी नाइन्थ एयरफोर्स डे ओके एटी नाइन्थ एयरफोर्स डे और इसी के इसी के इसी के सेलिब्रेशन में इंडियन एयरफोर्स ने अपना एयर शो निकाला ओके okay? तो वही बताएगा और आई एफ चीफ जो है विवेक राम चौधरी ये नाम याद रखना क्योंकि अभी भी अपॉइंट हुए हैं उन्होंने बोला है कि आई जो है एंड इट्स आई जो है वो बिल्कुल प्रूफ करेगी कि हम कॉम्बेट रेडीनेस में बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन लेके आएंगे मूविंग फॉर द सो एयर क्वालिटी पैनल एयर क्वालिटी पैनल का कहना है कि देखो इस साल शायद स्टबल बर्निंग स्टबल बर्निंग में रिडक्शन आए क्यों क्योंकि एक तो हमने गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आई है कि भाई अब स्टबल बर्निंग मत करिए स्टबल को भी बेचिए तो उसका भी पैसा मिलेगा फार्मर्स को और जो कंपनीज खरीदी जो इंडस्ट्रीज खरीदेंगे स्टबल्स को उनको सब्सिडीज दी जाएगी बहुत सारी चीजों में अब हम बात करें तो एयर क्वालिटी पैनल का भी एक और कहना है उनका यह कहना है कि इस बार देखा जाए तो इन दि स्टेट ऑफ पंजाब इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा उत्तर प्रदेश फार्मर्स जो है वो अब पैडी क्रॉप्स नहीं उगाएंगे रिडक्शन हुआ है पैडी क्रॉप्स उगाने में अब वो अदर क्रॉप्स से फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टबल पैडी से निकलती है है ना डूठे इसको बोलते हैं अगर हिंदी में अगर किसी को पता होगा तो बेसिकली ऐसी ऐसा एस, ऐसा ऐसा स्टबल मतलब जिसका कुछ यूज नहीं हो सकता अगर तुमने गाय या भैंस जो चारा खाती है ना सूखा चारा खाती है येलोइश सा होता है लाइट ग्रीनिश सा होता है तो उसी वही चारा जो है स्टबल से बनता है ठीक है तो स्टबल तो वही स्टबल को जला दिया जाता है क्योंकि स्टबल को निकालना बहुत एक तो

और दूसरा रीजन ये है कि इस बार फार्मर्स जो है वो पेडी क्रॉप नहीं उगाएंगे रिडक्शन कम हो रहा है मतलब ऑफ दी लैंड में काम आएगा में रिडक्शन कम आएगा पेडी मूविंग सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज वर्ल्ड न्यूज में आई एस इस्लामिक स्टेट वही उसने क्लेम किया है कि जो कुंडूज रीजन में मॉस्क मॉस्के अंदर अफगानिस्तान में मॉस्क के अंदर जो बॉम ब्लास्ट हुआ जिसमें फोर्टी टू लोगों की डेथ हुई उसमें आई एस ने बोला है कि हमने कराया अटैक ठीक है

और जो पीस प्राइज है वो ऑस्ट्रो में मिलता है ठीक है और इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है जो फिलिपींस और रशिया के जर्नलिस्ट किसको मिला दिमित्रेव मुर्ताव एंड मारिया रेसा तो मारिया रेसा इन दोनों को बेसिकली नोबेल पीस प्राइज दिया गया फॉर द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन मूविंग फॉरदर सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर इंपॉर्टेंट हो सेम गोज विद सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज सो दिस इज एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज पेपर हम लोग कल फिर मिलेंगे With some exciting news, some exciting current affairs. Tapi bye bye, have fun and enjoy your day. Bye bye guys.